हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल। पिछली वीडियो में परवेज भाई हैं ये। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पिछली वीडियो पे आपके काफ़ी सवाल आते हैं, उनके जवाब भी किसी वीडियो में देंगे कि बाइक में एक मेजर काम होने वाला है। तो आज मैं खालिद भाई के पास आया हूँ वो मेजर काम करवाने के लिए। और उस मेजर काम में परवेज भाई कितनी देर रहेगी? 4 घंटे लग जाएंगे इस काम में। तो अभी खालिद भाई साथ साथ काम करेंगे, हम साथ साथ आपको बताएंगे कि क्या होना है। खालिद भाई भी आते हैं तो आपको डिटेल समरी देते हैं कि क्या चेंज होने वाला है इंजन में, क्योंकि बाइक 68,000 किलोमीटर चल गई है। और हेड का काम होगा और रिंग सिस्टम का होगा, बस ये दो काम है। इसके इंजन का नहीं, टाइम चेंज, टाइमिंग चेंज और पिस्टन और हेड के वाल, बस क्लच प्लेट का हमारा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई जान, सबसे पहले तो हम आज इसका रिंग का काम करेंगे, रिंग पिस्टन और सिलेंडर किट वगैरह का। तो ये 68,000 चल चुकी है, तो अब इंशाल्लाह इसे ओपन करेंगे। अब ये ना आयल में थोड़ा सा इशू कर रही है कि आयल इसका काम होना शुरू हो गया है। तो भाई ने अब टूर पे निकलना था, तो हम सोच रहे थे कि रास्ते में कोई मसला ना हो, इससे बेहतर है कि हम इससे पहले इसको एडजस्ट कर ही लें। इसके हम पिस्टन किट चेंज करेंगे, वॉल चेंज करेंगे, टाइमिंग चेन चेंज करेंगे और कुछ छोटे मोटे जो भी जो पार्ट ख़राब होगा वो इंशाल्लाह चेंज करेंगे। इससे ज़्यादा भी चली होती है इसी इतनी? हाँ जी भाई जान, ऐसे है कि ये तो खैर टूरिंग पे आप चलाई है आपने, तो वैसे ही होता है कि ये 90 तक मैंने देखा है। ठीक है, देखी है कि बाइक ठीक चल रही है। मेरी अपनी भी बाइक है वो तकरीबन 53 चल चुकी है, ठीक चल रही है। तो भाई जान होता ये है ना कि एयर फिल्टर तो साफ़ करते नहीं हम, तो उसकी सांस अच्छी जा नहीं रही होती, तो ये भी मसला आता है। अगर एयर अच्छी ना होगी तो वो आयल भी गंदा होगा, आयल गंदा होगा तो रिंग पिस्टन डैमेज होगा। जब एयर के साथ वो छोटे छोटे पार्टिकल अंदर जाते हैं तो वो फिर मैनेज तो करेंगे। तो ये अच्छा, वो खालिद भाई कहना ही चाह रहे हैं कि मैं थोड़ा केयरलेस राइडर हूँ, मतलब चलाने में नहीं बाइक को मेंटेनेंस में। जी जी, अभी कल एक अंकल से बात हो रही थी तो मैंने कहा मेरी 5वीं या 6वीं बैटरी है जी, मैं हर साल बाद वाला बैटरी चेंज कर लेता हूँ। तो कहते हैं ऐसे क्यों करते हैं? मैं कहा पानी नहीं चेक करता, ऊपर से चीज़ें इतनी लगी हुई हैं, तो मेरे एक वो है एवरेज के साल बाद चेंज हो जाती है। तो क्योंकि मैं उसे यूज़ बहुत ज़्यादा करता हूँ इसलिए मुझे पता नहीं चलता कॉस्ट का ना ज़्यादा। तो अगर आप ऑयल वाली जो है ना, मैंने गलती की हुई है 3,000 किलोमीटर पे, कंपनी वैसे कहती है 3,000 चला, लेकिन मैंने 3,000 पे किया हुआ, तो आप वो भी ना करें तो आपकी बाइक और भी ज़्यादा चल जाएगी। जी ये अभी खालिद भाई शुरू हो जाएंगे और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप साथ साथ दिखाता रहूँगा थोड़ा बहुत, और फिर हम मिनिमम के लिए रेडी हो जाएंगे। ये देखें, ये है इसका डेमो सिस्टम जो जनरेटर होता है जिससे बैटरी वगैरह इसकी चार्ज होती है। और इसकी क्वालिटी चेक करें, अक्सर लोग कहते हैं कि यामा लियो बेस्ट नहीं है। अब ये देखें, ये 68,000 के बाद भी इंजन कैसे नीट, बिल्कुल लश इंजन है जी। फर्स्ट टाइम ओपन हुआ है, यहाँ पे कार्बन बहुत ज़्यादा होता है, बिल्कुल नीट है इसका मैगनेट के अंदर। ये भाई जान इसका टाइमिंग चेन जो इसको हर चीज़ को इसकी टाइमिंग मेंटेन रखता है, ये वाला अक्सर इंजन से वो टिक टिक की आवाज़ आ रही होती है, हाँ जी ये चीज़ इसकी ख़राब हो जाता है। हाँ जी, ये इसमें प्ले आ चुकी है, देखिए। हाँ जी, लेकिन ये कंपनी तो कहती है ये 35 पे चेंज करें, लेकिन हम अब आगे कर रहे हैं। ले जी, फर्स्ट टाइम कैसा नीट है, मुझे तो नहीं पता कि मैंने गंदा नहीं देखा हुआ, बिल्कुल नहीं। ये इसका गैस्केट है, जो चीज़ ख़राब हुई आपने वो दिखानी है जी। वो ओ, ये मेरे जैसा बंदा खोल लेगा तो उससे जुड़ना नहीं। ये भी हम इसका चेंज करेंगे, गैस्केट चेंज हो गई। ये होते हैं मेजर रिंग, ये होते हैं रिंग, ये होता है पिस्टन। जो ऑयल था बाइक का वो मैंने आपको बताया नहीं अभी तक, वो तकरीबन 600 ml निकला था इस दफ़ा। तो मैं आपसे कुछ छुपाता नहीं हूँ, नहीं तो मैं कहूँगी भाई पूरे निकल गया। 600 ml इस दफ़ा निकला और पिछली दफ़ा भी थोड़ा कम निकला था। तो अभी मैंने मिनिमम जाना है अगला टूर का, और उस पर जाने लगा था मैं, फिर हमने कहा चलो यार इसको कर ही लेते हैं, थोड़ा सा बारिशों की भी वजह से बीच में। तो अब ये काम होगा, फिर इसके बाद खालिद भाई रनिंग कितनी होगी? 400-500 किलोमीटर इसकी रनिंग होगी, रनिंग के बाद ये बाइक फिर
मैंने हालिद भाई को बड़ा जोर दे के पूछा कि क्या ये ओरिजिनल वाली फीलिंग रहेगी मुझे बाइक की। हालिद भाई ने कहा कोई मसला नहीं, पार्ट चेंज हो रहे हैं बस, तो बाइक और बेहतर हो जाएगी, बाइक की एवरेज भी अच्छी हो जाएगी। ये बैलेंसर लगा हुआ है, ये वाला, इसकी वजह से वाइब्रेशन नहीं होती अंदर। अच्छा हालिद भाई, हमने क्या किया था ये वजन पहले तो इसकी क्लच पेट आपने इंस्टॉल की हुई थी, अभी फिलहाल इसका ऑयल फिल्टर इसका वॉश करेंगे। ठीक है, सिंपल इसलिए खोला है, ये वाला ये ऑयल फिल्टर है इसका, कार्ड लग रहा है इसका पूरा चिप चिप। ये कभी चेंज नहीं होता? नहीं भैया, ये काफ़ी इसकी लंबी लाइफ है, ये होता है इसके अंदर रोटरी फिल्टर, इसकी भी काफ़ी लंबी लाइफ है। मैंने बोला इसलिए कि इसकी ये जो ऑयल वाली सील है ना, ये मैं चेंज करूँगा। हाल भाई को कहा है हमने ये प्लेट चेंज की नहीं है, ये हब नहीं चेंज हुआ जी, ये जैनवन है, तो ये अगर ज़रूरत है तो कर दें बेशक, लेकिन हाल भाई कह रहे हैं कि ये नहीं है। ठीक है, उसके अलावा इंजन का, ये मेन इंजन का पार्ट होता है ना जी, ये हमने इसको इसको नहीं खोल रहे हैं जी, ये जनवन खोलने की जरूरत है। बाकी जो पार्ट्स इसमें डल रहे हैं वो सारे जनवन हैं, यानी सिर्फ पार्ट्स की रिप्लेसमेंट हो रही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा जी। तो हम इनको लगा के रनिंग करके फिर रगड़ा देंगे बाइक को चिकन जी इंशाल्लाह। ये वजन फ्यूल की वजह से है, ये जो कार्बन है ना, हाँ जी, ये फ्यूल की वजह से है। ये देखें, ये कार्बन है, फ्यूल की रीज़न है ये सारी, फ्यूल हमारा ख़राब रहा अभी जी जी। हाँ कभी कभी ज़्यादा था ख़राब, तो एयर भी तो साथ है ना भाई, एयर भी तो साथ है ना, एयर भी तो गंदी है ना, एनवायरनमेंट भी तो गंदा है। हाँ अच्छा हो गया हमने खोल लिया। ये देखें, ये सारा कार्बन है भाई, ये जब रिंग विंग हो जाता है ना जी, वो सारा जो है ना, ये सिस्टम होता है कि जो एयर होती है ना, ये रिसाइकल होती है, एयर दोबारा एयर फिल्टर में जाती है, दोबारा इसमें आती है, फिर इंजन में जाती है, फिर ये वाला सारा निज़ाम जो है ना ख़राब हो जाता है। ये भी देखिएगा जब नीट होगा। A few moments later. जी ये वही पार्ट है सफाई करने के बाद जी, जैसे लोगों के गाड़ियों का कम होता है वैसे नहीं होगा। अच्छा हाँ जी, लोग बिल्कुल लेके रिव्यू करें ज़रा लोगों की गाड़ियों पर बात करी थी। हाँ नहीं भाई जान, ये तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फर्क। दस में से अगर आपने रेटिंग देनी हो जी जी, टूर वाली और सिटी वाली ये तो कोई कंपेयर कर ही नहीं सकते, बहुत फ़र्क है। ठीक है, तो लेकिन अगर टूर के हिसाब से देखें ना तो 8 नंबर दूंगा मैं। अरे वाह, हाँ तो भाई जान, पिन लॉक ये अक्सर डालते हुए नीचे गिर जाता है, ठीक है, इसलिए ज़रा कपड़े से सेव कर लेते हैं कि गिरने वाला जो काम है ना वो ख़त्म ही हो जाए। क्या करके हैं दोबारा गिर लैथ मशीन वाले के पास गए थे, वो जो हेड के वाल्व थे वो इंस्टॉल करवाने गए थे, ये वजन करवा के लाए। जन हमने इसकी पंप की सील चेंज की है, ये वाली, तो ये कैसे जो करा केस टू, ये हमने इसका जो ध्यान है, ये हमने इसका चेंज किया है, बंद हो जाएगा अब इसे फिटिंग करेंगे। ये मतलब लगना भी कार्ड वो भी कार्ड, हाँ जी कार्ड लगना। ये वजन होती है वाल की सीलें, ये वाल की सीलें, ये वजन हमने गैस्केट लगा लिया, सिलेंडर और रिंग हमने इंस्टॉल कर लिए, तो इसके बाद हम सिलेंडर डालेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम,
ये भजन होता है बड़े एहतियात वाला मामला। अच्छा, बड़े आराम से, बड़े एहसास तरीके से इसको अपनी पोजीशन पर बिठा दें। थोड़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें भजन, इसमें वो वाली प्ले वाला मामला नहीं है। प्ले साथ आई होगी, चलने के साथ। इसमें क्या वजह है प्ले आने की? भाई ये भी मूवमेंट कर रहा होता है ना, इंसान की गलती है इसमें? नहीं नहीं नहीं, इंसानी गलती नहीं, कोई गलत चलाने का स्टाइल कोई नहीं। और टिक टिक की आवाज़ आती है जी जी, वो टाइमिंग चेन लूज हो जाता है जी। टाइमिंग चेन तो इंस्टॉल कर लिया हमने, अब हम इसका जो मैग्नेट है वो इसका इंस्टॉल करेंगे। अच्छा भाई, एक चीज़ है कि ये मैं कुछ भाइयों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी बंदा ये किसी से भी ओपन करवाए तो ओपन करवाने के बाद इससे जो हेड के जो बोल्ट है ना, इनके अगर टाइट करना है तो ये टॉर्क रैंच के साथ टाइट करें। 22 mm इसकी टॉर्किंग है, 22, तो 22 से 25 तक ले जाएं। अगर ज़्यादा भी किसी ने कोई ज़ोर जुमाई करनी है तो, क्योंकि आम होते हैं कि पाने के साथ ज़ोर जुमाई किया तो वो ना अंदर से जो इसका थ्रेड है वो डैमेज हो जाएगा, फिर वो बढ़ जाएगा। हाँ जी, खराब। अच्छा जी भाई जान, अब हमने जो जो काम करना था वो तो कर दिया, उसमें हमने सिलेंडर चेंज किया है, पिस्टन के चेंज की है, उसके बाद हेड के वाल्व चेंज किए हैं, वाल्व की सीलें हैं, टाइमिंग चेन था, आयल पंप की सील थी और इंजन ऑयल था, स्पार्क प्लग था, ये चीज़ें थी। वक्त के साथ तो ये चेंज होनी थी, तो ये चीज़ें देखी जाती हैं कि भाई ये सिटी में चलाने वाला कैसा है या ऑफ रोडिंग करने वाला कैसा है, लेकिन ये है कि ये चलाने वाले पे डिपेंड करता है। इससे पहले भी चीज़ वक्त के साथ ख़राब होती देखी है और इससे ज़्यादा चलती हुई भी देखी है, तो ये है कि बकाया अब हमने फाइनल कर लिया है तो इंशाल्लाह अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। सोचा था कि ये आपसे भी शेयर करें। हाँ, ये इससे पहले हर महीने ये स्टार्ट करके मुझे दिखाई है, मैंने सुनाई बल्कि ना आवाज़ ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अभी हर भाई कह रहे हैं कि ये बाइक ऐसे जैसे बिल्कुल नई बाइक होती है, तो अब हम इसको ज़्यादा ज़ोर से मंडेंगे मतलब ऑफ रोड। बाइक स्टार्ट ऐसे शायद पता ना चले आवाज़ ऐसे बिल्कुल पता चलेगा ये आवाज़ स्टार्ट। अभी हम हमारा नेक्स्ट काम जो पड़ेगा इंजन का वो क्या पड़ेगा? सिंपल भाईजन, अगर हुआ भी तो सिंपल क्लच पेड होगी, सिंपल अगर हुआ भी। अच्छा, वो भी कुछ अर्से के बाद लाइफ के बाद। ठीक है, इसको अब हमने कब खोलना है? ये इंशाल्लाह इतना ही और चलेगा, जैसे आप केयर कर रहे हैं ना इस तरह इंशाल्लाह ये थोड़ी सी केयर मुझे और करनी चाहिए जी जी। आप मुझे बता दें कि मेरी पेपर वाइज कहाँ पे है भाई जन? एक तो आयल ज़रा टाइम पे चेंज करें। ठीक है, और एयर फिल्टर 1500 कर लें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, एयर फिल्टर कोशिश करें हर 1000 पे लाजमी साफ करें। साफ लाजमी ला नहीं करता था जी जी, वो लाजमी। देखिए ना भाई जन, नोज वाला ही मामला है ना, कार्बन था ब्लैक वाला जी जी, वो आप उसी पे कह रहे थे कि एयर फिल्टर साफ नहीं होता। एयर फिल्टर साफ ना होने की वजह से तो इसकी लाइफ कम हुई ना, इंजन ऑयल गंदा हुआ, इंजन ऑयल गंदा हुआ तो उसने रिंग डैमेज किए, पिस्टन डैमेज किया, जब पिस्टन डैमेज हुआ तो वो सारा कार्बन था उस तरह ट्रांसफर होना शुरू हो गया। लेकिन कोई भी बंदा कोई भी बाइक ले ले, टायर प्रेशर, चेन के एडजस्टमेंट, इंजन ऑयल और एयर फिल्टर, ये चार काम कर ले, चार काम कर ले, ट्यूनिंग की जल्दी ज़रूरत ही नहीं है। इंजन में सिर्फ क्लच पैड के अलावा और कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। यस, अगर बंदा केयर करे तो, अगर केयर करे तो नहीं, मैं अब तो मैं अभी होगी पुरानी बाइक तो ज़्यादा तैयार करनी चाहिए वैसे भी। चले अच्छा, क्योंकि हमने इंजन तो पूरा इसका खोला नहीं, सिंपल रिंग पिस्टन वाला काम किया है और ये अब नहीं होगी इंशाल्लाह, ये नहीं है, ये कुछ रनिंग करने के बाद जैसे मर्जी चलाएंगे। अभी मैं फ्री हो गया। हाँ जी, आज हाजिर भाई ने मुझे खसूसी टाइम दिया तो उसके लिए बहुत शुक्रिया, कुछ भी नहीं है। वेलकम। मैं आया अभी लेट हूँ लेकिन महाराज ने भी शॉप मेरी शॉप चल रही है, ऑनलाइन चल रही है, इजाज भाई चला रहे हैं। अभी मैंने मिनीमर्ग जाना है तो मिनीमर्ग जाने से पहले हमने सोचा कि इसको कर लें तैयार, तो बाइक इज़ ऑल सेट बस। बाकी अगर कहीं नहीं चढ़ेगी पहाड़ों के ऊपर तो फिर हम ना जाएंगे वहाँ, कोई मसला नहीं है क्योंकि अंडर पावर है ना भाई, वी आर 30। और
ये भी हमने रीइंफोर्स कर लिया था, ये वाली पट्टी सामान जो है वो भी सारा बिल्कुल टाइट है, बाकी कुछ भी नहीं करवाने वाला, सब सेट फर्स्ट। खालिद भाई जो है ना बाइक की फर्स्ट राइड लेने गए हैं, मैंने कहा कि आप लेने जाएं, बड़े हैं ना तो वो बाइक के डॉक्टर बने से। 30-40 पे 30-40 रखनी है बस। ओके 68,291 किलोमीटर हो चुकी है, आज हमने अपनी बाइक का फाइनली मेजर काम करवा लिया, हेड सिलेंडर, गैस्केट, पिस्टन, प्रीमियम बस, ये सब चेंज हो गया। आज का टोटल बिल बना है 16,130 गालबन। हाँ, और बाइक की जो फील है वो बहुत फ़र्क है, बाइक की आवाज़ में बहुत मेजर डिफरेंस है। खल भाई ने कहा कि आपकी बाइक ब्रांड नहीं हो गई है और आपको रनिंग करनी पड़ेगी 400-500 किलोमीटर, और मैंने भी सिर्फ 35 किलोमीटर किया है और 40-50-30 पर रखना है। मैं तो बढ़ गया हूँ बिल्कुल, 3 महीने हो गए मैं काम करवा के निकला हुआ हूँ। पहले मैं अवैस भाई की तरफ गया और मैंने उन्हें अपना एक रेन सूट, जो ADB स्टोर का रेन सूट है, वो मैंने उन्हें बेच दिया तो हमें भी दोना कुछ है। और फिर वहाँ से निकल के एक और भाई को मैंने रेन सूट दिखाया, फिर मैं एजाज भाई के पास आया, तो मैं घूम रहा हूँ भाई को पागलों की तरह, लेकिन 2 महीने हो गए, 3 महीने तो बस ठीक है। अभी ऐसे मैं स्लो जाऊँगा, यहाँ से घर जाऊँगा 50,000 घंटे लग जाएंगे मुझे। ओह बॉय, लोग मुझे क्रॉस कर रहे हैं, 70 पे क्रॉस कर रहे हैं और मुझे एक बड़ी अजीबोगरीब सी फीलिंग आ रही, बट क्या कर सकते हैं। इस टैंक बैग के अंदर भी एक टैंक बैग है आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए। ओह यस बेबी, चेक दिस बेबी आउट, इस टैंक बैग के अंदर टैंक बैग है। ये कैसे है? ये एक टैंक बैग हमने नया बनवाया, उसके बाद में आपको बताएंगे अभी के लिए बंद हो जाओ। हाँ बस ये चल रहा है, ये लाइट में बहुत कम यूज़ करता हूँ शहर में, लेकिन ओ यस दरख्त देखें ऊपर, सब लिट चल रहे हैं। ओ भाई कौन सी बाइक लेके जा रहे हो, बहुत तेज़ जा रहे हो। अभी उस समझे कि एक नई बाइक है, अब इसकी दोबारा से माइलेज मैंने नोट करनी है और वो करके फिर मैं आपको डिटेल भी आगे इसके साथ से शेयर करता रहूँगा। और मिनी मार्केट टूर की तैयारी बेसिकली चल रही है, तो उससे पहले मैंने सोचा कि ये करवा लूँ, उस टूर पे भी आपको लेके चलेंगे साथ, अनकरीब आने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त एडवेंचर होगा। मैं अकेला होऊंगा और वो अकेले की एक और ही फील होती है, ठीक है, तो इंशाल्लाह। ओह यस, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।